हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिंह स्टडी सेंटर। टुडे आवर टॉपिक ऑन नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस हब, स्विच, राउटर एंड रिपीटर। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। टुडे आवर नेटवर्किंग डिवाइसेस इज ब्रिज। ब्रिज क्या है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जाने। ब्रिज इज लाइक ए रिपीटर। रिपीटर की तरह ब्रिज काम करता है। जैसे रिपीटर में था कि सिग्नल को रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट करता था, उसी प्रकार ब्रिज भी सिग्नल को रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट करेगा। बट ब्रिज में एक एक्स्ट्रा फीचर होता है कि वो एक मैक टेबल बनाता है और मैक टेबल के हिसाब से डाटा को एक्सचेंज करेगा, नहीं तो डाटा को ब्लॉक कर लेगा अपने पास। और जिस मैक एड्रेस के लिए डाटा होगा उसी मैक एड्रेस को डाटा ट्रांसफर करेगा। आगे देख लेते हैं ब्रिज में और क्या क्या फंक्शन है। ब्रिज कनेक्ट करता है दो लैंड नेटवर्क को, जैसे ये होस्ट ए बी, एक हब के साथ कनेक्ट है। हब क्या करता है, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हब क्या करता है, जस्ट फॉरवर्डिंग डाटा और ब्रॉडकास्टिंग कर देता है। अगर आपके पास ए को भेजना है डाटा तो वो बी को भी भेज देगा, इधर ब्रिज में भी भेज देगा। तो हब कनेक्ट है, सेकंड जहां भी हब कनेक्ट है दोनों के बीच के लिए ब्रिज कनेक्ट कर दिया। ब्रिज क्या करता है, दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क को हम सेगमेंट में तोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कोलिजन नहीं होगा और जो है हम डाटा जो अपना नेटवर्क है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आगे चलते हैं। जैसे इस नेटवर्क में देख सकते हैं आप, दो नेटवर्क हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, सेगमेंट वन एंड सेगमेंट टू। सेगमेंट वन में पीसी वन ने सिस्टम वन ने सिस्टम टू को लिए डाटा भेजना है। वो क्या करेगा, डाटा को सेंड करेगा ब्रिज के पास। ब्रिज क्या करेगा, उस डाटा को एनालाइज करेगा। उसका फर्स्टली क्या काम है, रिपीटर की तरह वो क्या करेगा, अगर ब्रिज क्या करते हैं, लाइन एक्सटेंड करने के लिए एंड नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है, ओरिजिनेट एंड रिट्रांसमिट करे वो तो करेगा ही। उसके अलावा ब्रिज क्या करेगा कि मैक एड्रेस का जो उसने टेबल बना रखा है अपने अंदर, तो ये देखो उसमें सेगमेंट वन और सेगमेंट टू का टेबल बना रखा है। सेगमेंट वन में पीसी वन में कौन सा मैक एड्रेस है, पीसी टू में कौन सा है, पीसी थ्री में कौन सा है। जब उसने देखा कि सिस्टम टू जो है वो सेगमेंट वन में ही है, तो क्या करेगा, उस डाटा को सेगमेंट वन में ब्रॉडकास्ट कर देगा ब्रिज। ब्रिज ने क्या किया, उस डाटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया सेगमेंट वन में। तो क्या हुआ, वो जो डाटा था वो सभी जगह कॉपी हो गया। ठीक, उस डाटा को उसने ब्लॉक कर दिया, उसने डाटा को आगे नहीं भेजा। कि जब उसने मैक एड्रेस के हिसाब से एनालाइज किया तो उसके हिसाब से उसने देखा सेगमेंट वन में, तो उसने सेगमेंट टू को वो डाटा नहीं भेजा, ट्रांसफर नहीं किया। हेयर पीसी वन ट्राइज टू सेंड टू डाटा टू पीसी टू, द डाटा विल फर्स्ट ट्रेवल टू द ब्रिज। फर्स्ट ब्रिज में गया, ब्रिज विल रीड इट्स मैक एड्रेस। ब्रिज ने क्या किया, उसका मैक एड्रेस देखा, डिसाइड वेदर टू सेंड, उसने डिसाइड किया कि उस डाटा को सेगमेंट वन में भेजना है या सेगमेंट टू में भेजना है। हैंड पीसी टू इज अवेलेबल इन सेगमेंट वन। जब उसने देखा कि जो डाटा जो है वो सेगमेंट जो भेजना है पीसी टू है वो सेगमेंट वन में है, तो उसने क्या किया, उस डाटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया सेगमेंट वन में एंड एक्सक्लूड ऑल द पीसी कनेक्टेड इन द सेगमेंट टू, और किसी भी पीसी को वो डाटा नहीं भेजा सेगमेंट टू के। तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक को उसने डिस्टर्ब नहीं किया, तो यहाँ ट्रैफिक क्या होगा, रिड्यूस रहेगा। तो क्या ब्रिज क्या करता है, एक रिड्यूस ट्रैफिक रिड्यूस करने में भी काम आता है। आगे देखते हैं कि इसके फीचर क्या क्या है इसमें ब्रिज में। ब्रिज इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। हम नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, तो ब्रिज इज ए नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू डिवाइड लैन इंटू मल्टीपल सेगमेंट। मैं बताया था कि लैन नेटवर्क को मल्टीपल सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देगा, जिससे क्या होगा कि एक तो कोलिजन नहीं होगा और एक और डाटा की जो है डाटा एक्सचेंज की जो स्पीड है वो भी अच्छी रहेगी, और डाटा का जो क्या बोलते हैं सिग्नल है वो वीक नहीं रहेगा, उसको ब्रिज रीजनरेट कर देगा, रिट्रांसमिट कर देगा। ब्रिज वर्क अंडर
कौन सी लेयर में काम करता है ब्रिज? फिजिकल और डाटा लिंक लेयर। फिजिकल मतलब एज ए हार्डवेयर, और डाटा लिंक लेयर जिसमें मैक एड्रेस को लेके एनालाइज करता है और डाटा को ट्रांसफर करता है उसी हिसाब से। इट स्टोर द मैक एड्रेस ऑफ पीसी अवेलेबल इन, जितने पीसी उसके साथ कनेक्ट होते हैं उनका क्या हो, जितने पीसी मतलब जितने नेटवर्क उनके साथ कनेक्ट होते हैं ब्रिज के साथ, उनका वो मैक एड्रेस वो अपने पास रख लेता है। ब्रिज इज लाइक ए रिपीटर, ब्रिज एक रिपीटर की तरह काम करता है, बट इसमें क्या करता है फंक्शन क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन है कि ये मैक एड्रेस को टेबल बना लेता है और डेस्टिनेशन को उसी हिसाब से वो अब डाटा को ट्रांसफर करता है। विच इज ऑल्सो यूज फॉर इंटरनेटिंग टू लैंड नेटवर्क वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। लैंड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ब्रिज को, जैसे ऊपर लिखा था मैंने। ब्रिज हैज ए सिंगल इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें मैं बताया था कि रिपीटर की तरह एक ही सिंगल आउटपुट है और एक इनपुट है, जिसमें दो पोर्ट होते हैं, सिंगल सोर्स इनपुट और सोर्स आउटपुट, दो ही पोर्ट होते हैं इसमें। ब्रिज आर इंटेलिजेंट डिवाइस दैट अलो द पासिंग ऑफ ओनली दोज पैकेट एड्रेस फ्रॉम ए नोड इन वन नेटवर्क टू अनदर नोड इन द सेम नेट। उसी पैकेट को ट्रांसफर करता है, मैं बताया था कि जैसे पीसी वन में था कि उसने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिस्टम वन ने सिस्टम टू को भेजना था, तो उसने क्या किया सेगमेंट टू को वो डाटा नहीं भेजा, उस डाटा को उसने क्या किया वहीं ब्लॉक कर लिया, और वो सारा डाटा जो है वो सेगमेंट वन में क्या किया ब्रॉडकास्ट कर दिया। उसने वो डाटा को वहां पे एड्रेस के हिसाब से अपने चेक मैक एड्रेस के हिसाब मैक टेबल के हिसाब से चेक किया और उसके डाटा को सेगमेंट वन में ही ब्रॉडकास्ट किया, सेगमेंट टू में उसने उसको ब्लॉक कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ब्रिज परफॉर्म कैसे करता है, उसको काम कैसे करता है। हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क ए है और लोकल एरिया नेटवर्क बी है, उस दोनों ब्रिज के साथ कनेक्ट है। अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। ब्रिज रिसीव ऑल द पैकेट फ्रॉम, किसी भी सिस्टम से हम कोई भी पैकेट भेजेंगे तो ब्रिज क्या करेगा उसको रिसीव करेगा, उसका काम भी सभी जैसे सभी से नेटवर्किंग डिवाइस है क्या रिसीव करते हैं। ए ब्रिज बिल्ड ए टेबल ऑफ एड्रेस, जैसे इसके साथ कोई भी सिस्टम कनेक्ट करें पोर्ट पे, कोई भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे इंटरफेस पे, तो क्या करेगा ये एक मैक टेबल बना लेगा अपने अंदर एक मैक टेबल स्टोर कर लेगा हर एक पोर्ट का मैक एड्रेस का, हर एक सिस्टम का मैक एड्रेस का एक टेबल अपने अंदर से स्टोर कर लेगा। ए ब्रिज बिल्ड ए टेबल ऑफ एड्रेस फ्रॉम विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट द पॉकेट आर सेंट फ्रॉम विच लैंड सेगमेंट। इसके अंदर मैक एड्रेस का टेबल सेंड बना लेगा, जिससे ये पता कर लेगा कि ये जो डाटा है वो किस सिस्टम को किस मैक एड्रेस को भेजना है मुझे। ब्रिज रीड द सेंड एंड डिस्कार्ड ऑल द पॉकेट फ्रॉम लैन ए सेंड टू ए कंप्यूटर लैन ए एंड दैट पॉकेट फ्रॉम लैन ए एंड सेंड टू ए कंप्यूटर ऑन लैन बी या रिट्रांसफर टू लैन बी। मीन्स अगर जैसे सिस्टम ए ने सिस्टम वन ने कोई डाटा भेजा ब्रिज के पास, अब ब्रिज क्या करेगा जैसे उसने इसको एड्रेस को उसने आइडेंटिफाई किया है कि किसको को भेजना है, तो उसने तो मान लिया कि यहाँ पे सिस्टम थ्री को भेजना है, तो क्या करेगा वो इस डाटा को यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। जैसे लास्ट वीडियो में देखा था उसने कि जो डाटा भेजना था वो सेगमेंट वन में ही भेजना था, तो उसने क्या किया इसमें इसमें सेगमेंट वन में इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया और यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। अब ये क्या करेगा यहाँ ब्लॉक कर देगा और इस डाटा को यहाँ पे उसने मैक एड्रेस से देखा और यहाँ पे उसने इसको रीजनरेट करा सिग्नल को, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया और इसको यहाँ पे सेंड कर दिया सिस्टम थ्री के पास। द पैकेट फ्रॉम लैंड बी आर कंसीडर्ड इन द सेम मेथड, वो सेम मेथड जैसे हम लैंड बी में भी कोई डाटा भेजते हैं लैंड ए के पास, तो सेम ऐसे ही करेगा। अगर लैंड ए सिस्टम थ्री ने कोई डाटा भेजा सिस्टम फोर के पास, तो वही ब्रिज के पास जाएगा, ब्रिज क्या करेगा उसको डाटा को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद देखेगा कि मैक एड्रेस किस सिस्टम किस सेगमेंट में कनेक्ट है, तो वो क्या करेगा जैसे ये सिस्टम फोर जो है वो सेगमेंट बी में कनेक्ट है, तो वो ये क्या करेगा इस डाटा को यहाँ ब्लॉक कर देगा, इस डाटा को आगे ना भेज के यहीं ब्रॉडकास्ट कर देगा और डाटा को सिस्टम थ्री फोर के पास पहुंचा देगा। अगर इसने लैन बी ए के पास भेजना है तो इस सिस्टम को जहाँ पे डाटा को एनालाइज करेगा मैक एड्रेस से इसको मैच करेगा और उसके बाद इसको क्या करेगा यहाँ पे सेंड कर देगा ब्रॉडकास्ट कर देगा यहाँ पे। ओके आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस के कितने टाइप होते हैं? ब्रिजेस आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, ट्रांसपेरेंट ब्रिज, ट्रांसलेशन ब्रिज एंड सोर्स राउटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज जो है इनके नाम से ही पता लग रहा है आपको, ट्रांसलेशन ब्रिज, सोर्स राउटिंग ब्रिज,
कि ये क्या क्या काम करते हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या करता है कि दो लैंड नेटवर्क के, दो एंड टू लैंड नेटवर्क के बीच में एक हम ब्रिज कनेक्ट करेंगे, बट उनको एक उसकी एग्जिस्टेंस जो है ब्रिज की वो नहीं शो होगी, उनको पता नहीं लगेगा कि उनकी ब्रिज के उनके अंदर ब्रिज एक कनेक्ट है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ब्रिज। ट्रांसलेशन ब्रिज क्या होता है, ट्रांसलेशन ब्रिज क्या करता है, जैसे ट्रांसलेशन तो मीनिंग से ही पता लग रहा है कि ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट, क्यों कन्वर्ट करता है हमारा एक नेटवर्क, जैसे हमारे एक नए सोर्स पे नेटवर्क इथरनेट कनेक्ट है, तो वो इथरनेट कनेक्टर दूसरे पे टोकन रिंग है, तो कोई भी डाटा अगर मैं भेज रहा हूँ, जैसे अगर भेज रहा हूँ जेपीजी फॉर्मेट में भेज रहा हूँ, तो मेरा जो दूसरा सिस्टम है वो क्या करता है कि उस फॉर्मेट को जेपीजी ना गया पीएनजी में उसको रिसीव करना चाहता है, या उसको उसी फॉर्मेट में वो रीड कर सकता है, तो क्या करेगा उस फॉर्मेट में उसको उसको सेंड करेगा, तो वो जेपीजी में भेजेगा, पर ब्रिज क्या करेगा कन्वर्ट करके उसको पीएनजी में उसको शो करेगा, उसको सेंड करेगा, जैसे तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ब्रिज। सोर्स राउटिंग ब्रिज क्या है कि वो अपने अंदर ही एक फ्रेम में ही अपने एक फ्रेम में एक राउटिंग टेबल बना लेगा हर हर ब्रिज हर क्या बोलते हैं पैकेट के लिए, तो क्या अगर उसी जो डिफॉल्ट राउटिंग ब्रिज बनाएगा, जो टेबल बनाएगा, जो राउट सोर्स बनाएगा, उसी में वो उसको ट्रांसफर करेगा। अब देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रिज इज गेटिंग टू ब्लॉक और फॉरवर्डिंग डाटा पैकेट डिपेंडिंग ऑन द मैक एड्रेस। ये सभी ब्रिज काम करते हैं कि वो मैक एड्रेस को में हिसाब से अपने डाटा को भेजेंगे और बाकी को ब्लॉक कर देंगे। ट्रांसपेरेंट ब्रिज इज प्लग एंड प्ले, मगर उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो और वो प्ले चल रहे हैं, काम करेगा, प्लग एंड प्ले का काम करते हैं। दिस ब्रिज क्रिएट इट्स टेबल ऑफ टर्मिनल एड्रेस ऑन इट्स ओन, इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं, अलो इट्स मेक द फॉर सोर्स लोकेशन एंड इट इज एबल टू सेल्फ अपडेटिंग। उस टेबल को जैसे हम नया कोई सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं उसे अपडेट कर लेते हैं। इट इज गेटिंग मोर पॉपुलर बाय यूजिंग द नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क के अंदर ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस शो नहीं होती, इसलिए हम इसको ज्यादा ही यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलेशन ब्रिज। ट्रांसलेशन ब्रिज प्ले द रोल ऑफ कन्वर्टिंग, ट्रांसलेशन का मीनिंग ही है कि हम किसी चीज को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन करना, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ब्रिज प्ले द रोल फॉर कन्वर्टिंग द वन नेटवर्क सिस्टम टू द अनदर टाइप ऑफ सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ब्रिज अलाउ टू ट्रांसलेट द फेच डाटा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन ब्रिज। टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क लाइक एज टोकन रिंग और इथरनेट नेटवर्क कैन बी अटैच, दोनों में अटैच कर सकते हैं हम। इट हैज एबिलिटी टू रिमूव और एड एनी ऑफ द फील्ड एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ये क्या करता है, कोई भी चीज को रिमूव और ऐड करने में भी हेल्प करता है हमारे साथ। जैसे मैं बताया था कि कोई जी सिस्टम है जहाँ पे अगर मैंने मान लो कि ये सिस्टम जो है मेरा ओल्ड वर्जन है या कुछ ऐसा है, तो ये जेपीजी फॉर्मेट में सिस्टम को रीड भी करता है और सेंड भी करता है, तो इसने जेपीजी फॉर्मेट में सेंड किया, बट ये सिस्टम ये है नेटवर्क लेटेस्ट है तो ये पीएनजी में ही रिसीव करेगा, तो इसे ब्रिज क्या करेगा इस चीज को जेपीजी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा पीएनजी में, और जहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में ही हमें शो करेगा, तो पीएनजी फॉर्मेट में शो किया, बट इस सिस्टम को ये नहीं पता लगेगा कि इसने जेपीजी फॉर्मेट में शो किया है भेजा है मुझे, तो ये उसको पीएनजी फॉर्मेट में ही रीड करेगा, और उसने क्या किया ब्रिज ने क्या किया इसको ट्रांसलेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इसको पीएनजी में। ओके नेक्स्ट चलते हैं सोर्स राउटिंग ब्रिज। सोर्स राउटिंग ब्रिज क्या करते हैं, मैं बताया था इसके अंदर एक फ्रेम में ही एक वो बना देता है पूरा फ्रेम, आल फ्रेम बना देता है रूट का, जिस रूट से उन्होंने डाटा ट्रांसफर करना है। सोर्स राउट ब्रिज इज इंट्रोड्यूस बाय आईबीएम, इसको आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर यूजिंग टोकोरिंग नेटवर्क्स। इट अलाउ टू एम्ड द ऑल फ्रेम रूट इनटू वन फ्रेम, ऑल किसी सभी के फ्रेम रूट इसने इस फ्रेम में बना लिया। एंड देन द ब्रिज टेक द प्रिसाइस डिसीजन दैट हाउ द फ्रेम इज फॉरवर्डिंग विद द यूजिंग ऑफ नेटवर्क, कि किस फ्रेम से उसने उसको फॉरवर्ड करना है, वो उसमें वो उसका खुद का डिसीजन वो खुद डिसाइड करता है कि किस फ्रेम से उसने भेजना है। इन दिस टेक्निक टू सेम नेटवर्क कैन बी लिंक टू डाटा लिंक लेयर। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस ब्राउटर के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिंह स्टडी सेंटर। जय हिंद, जय भारत।